जाइएगा क्या अभी? ठीक है जाइए। अच्छा पैसा दें, एक मिनट रुकिए। तो अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं और तब इसका अप्लीकेशन। देखिए क्या लिखा है। अब आए टेक्निक वाला पार्ट। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय सर एलेक्स जेफ्री। ठीक है, इसी को फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं वर्ल्ड वाइड। ही यूज्ड एज सैटेलाइट डीएनए। कौन सा, मिनी या माइक्रो? तो इन्होंने मिनी सैटेलाइट यूज किया जो 11 to 16 बेस पेयर का डिफरेंस रखता है, याद मतलब रिपीटेशन रखता है, याद आया? एज प्रोब। अच्छा ये प्रोब का मतलब क्या बोला? देखो बात बताओ, जिस साइज का सैटेलाइट डीएनए होगा, मिनी सैटेलाइट जो आपने यूज किया, उसी साइज का प्रोब 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 भी बनाओगे, डीएनए प्रोब बाद में बनाओगे कि ना बनाओगे? वही लिखा है, दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इट वाज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स, VNTR। याद है VNTR हम बोलते हैं मिनी सैटेलाइट, नॉट माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट को SSR कहते हैं। The technique as used earlier involves southern blot hybridization using radio leveled VNTR as a probe। वो पूरी बातों को वो एकदम दो लाइन में लिख के आगे बढ़ गया। southern blotting भी बता दिया, hybridization भी बता दिया, और ऑटो रेडियोग्राफी भी यहीं पे बन गया। अब आप समझिए कैसे उसे हुआ। ठीक है, southern blotting करने के बाद hybridization किया और VNTR का एक प्रोब बना के तैयार करके हाइब्रिडेशन किया। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ बड़ी शॉर्ट वे में बताया है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय आरई, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीएल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफरिंग, इसी को बोलते हैं ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन और नायलॉन शीट, हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। इस लेबल्ड का मतलब पता है क्या है? रेडियो एक्टिव। अरे लेवल कर दिया उसको, लेवलिंग का मतलब क्या? ताकि पता चले कि बाद में जाने के बाद कि हाँ भाई रेडियो एक्टिविटी शो हो रहा, पता चले कि कहाँ गया है। लेवलिंग का मतलब रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, एंड अगेन डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, बैंड दिखेगा उसमें, डार्क लाइट डार्क बैंड दिखेगा, डार्क पूरा का पूरा रहेगा, उस पर लाइट लाइट बैंड दिखेगा। स्केमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक डायग्राम में अभी दिया हुआ, अभी हम उस डायग्राम को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए क्या बोला एनसीईआरटी। VNTR belongs to class of satellite DNA referred to as mini satellite। VNTR mini satellite है, जबकि जो माइक्रो सेटेलाइट था वो है SSR। A small DNA sequence is arranged tandemly, मतलब repeatedly in many copy numbers। The copy number varies from chromosome to chromosome in an individual। मैंने कहा था person to person तो वेरी करता ही है कितनी बार रिपीट होगा, लेकिन क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम में वेरी करता है, इवन होमोलोगस क्रोमोजोम में भी वेरिएशन है टेंडर रिपीट के वेरिएशन का। ठीक है, द नंबर ऑफ रिपीट
So high degree of polymorphism. As a result, the size of VNTR, mini satellite का जो size होता है वो 0.1 से लेकर 20 किलो बेस पेयर तक का पाया जा सकता है। देखो एनसेटी ने भी अपनी थ्योरी में मिनी सेटेलाइट उस बड़े से जहां से लेकर जहां तक रिपीट हुआ उसको बोल रहा है मिनी सेटेलाइट, और बीच में जो सेगमेंट बार बार रिपीट हुआ इसको बोल रहा है टेंडर रिपीट्स, जो सेगमेंट बार बार रिपीट हुआ इसको बोल रहा है टेंडर रिपीट्स, बार बार जो रिपीट हुआ वो है टेंडर रिपीट्स, जहां से जहां तक लेकर रिपीट हुआ वो पूरा मिनी सेटेलाइट, और RS को भी जोड़ दें इसमें तो RF, और यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा RF, और यहां से यहां तक क्या कहलाएगा मिनी सेटेलाइट, और ये क्या कहलाएगा टेंडन रिपीट्स, ठीक है। ये बात आपके नोट्स में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आगे देखो दीज बैंड्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल डीएनए, मैंने बोला ये बड़ा अलग हर डीएनए का एक अलग अलग बैंड आएगा, ठीक है, क्योंकि हर डीएनए में नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग अलग है। इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, जहां आइडेंटिकल ट्विन्स है वहां पे सेम बैंड आ जाता है, ठीक है, अदरवाइज अलग होता है। द सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ पीसीआर, अगर आप इस टेक्निक को और थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव बनाना चाहते हैं कि छोटी चीजें पकड़ में आ जाए तो डीएनए सैंपल को आप पहले इंक्रीज कर लो, अगर डीएनए सैंपल इंक्रीज नहीं कर सकते तो डीएनए अमाउंट को इंक्रीज कर लो, कैसे, बाय यूजिंग पीसीआर जो आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। कंसिक्वेंसली डीएनए फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस, एक सेल का डीएनए इनफ है, नहीं हो तो आप पीसीआर करा लिया करो, ठीक है। इन एडिशन टू एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक साइंस, इट फॉरेंसिक साइंस में तो यूज है इसका, इट हैज मच वाइडर एप्लीकेशन सच एज डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज, कल बताएंगे कैसे। करंटली मेनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज टू जेनरेट डीएनए फिंगरप्रिंट, अभी हम ये सारी बातें करेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये रहा आपका डीएनए फिंगरप्रिंट का टेक्निक्स, मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ के इसलिए बताया आप इसका रियल मीनिंग नहीं निकाल पाते। अब मैं आ रहा हूँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशन पर, तीन एप्लीकेशन है इसका। एक तो क्या है, फॉरेंसिक साइंस में क्रिमिनल का पता लगाने के लिए, ठीक है, क्रिमिनल डिटेक्शन या क्रिमिनल का पता लगाने के लिए। दूसरा बायोलॉजिकल पेरेंट का पता लगाने के लिए, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप पता करने के लिए, पेरेंटिक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप पता करने के लिए, ठीक है। और तीसरा कई बार इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इसका यूज करते हैं, वो भी आपको मैं इसका एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल ओसामा बिन लादेन है, उसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, उसको कैसे मारा अमेरिका ने और कन्फर्म कि ओसामा बिन लादेन ही मारा है, कोई और नहीं मरा, इस बात का प्रूफ है अमेरिका के पास, कैसे, इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अभी हड़बड़ी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और इसकी चर्चा आप पढ़ोगे हायर क्लास, ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में कल बता देंगे, लेकिन इसकी चर्चा आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल को देखे क्या हुआ है, और इसकी एक एग्जांपल मैंने भी आपको बताई थी जो मेरे सपने में आया था, वो आशीष वाला एग्जांपल, उसको एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वो अभी हम देखेंगे, और ये ओसामा बिन लादेन वाला मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए तो पहला देखते हैं हम कि क्रिमिनल को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कैसे पकड़ लेते हैं। आपके सामने देखिए यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, चलिए आपके सामने डीएनए फिंगरप्रिंट है, पहले आप इसका हेडिंग पढ़ लीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है, तब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फ्यू रिप्रेजेंटेटिव क्रोमोसोम हैव बीन शोन, कौन कौन सा क्रोमोसोम यहाँ शो किया गया है, 7 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और 16 नंबर वाला, ठीक है, कुछ क्रोमोसोम को शो किया गया है। शोन टू कंटेन डिफरेंट कॉपी नंबर ऑफ वीएनटीआर, जाहिर सी बात है अलग अलग क्रोमोसोम है तो वीएनटीआर तो अलग अलग होगा ही, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कलर, हम समझने के लिए इस स्कीम्स में डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं, इस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट कलर का स्कीम यूज कर रहे हैं, टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ईच बैंड इन अ जेल, अदरवाइज जेल में डीएनए दिखता तक नहीं है भाई, ऑटो रेडियोग्राफी में दिखता है, वो भी बैंड दिखता है वहां डार्क और लाइट बैंड, हम तो जेल में ही दिखाने लगे अलग अलग कलर से, बस समझने के लिए लिखा है। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एलील्स पेरेंटल एंड मैटरनल ऑफ अ क्रोमोसोम आल्सो कंटेन डिफरेंट कॉपी नंबर्स ऑफ वीएनटीआर, इसके चर्चा हम कल करेंगे ओसामा बिन लादेन वाले में, ठीक है।
इट इज क्लियर दैट बाइंडिंग पैटर्न, अच्छा इस वाले डायग्राम में इट इज क्लियर दैट बाइंडिंग पैटर्न ऑफ डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन मैचेस विथ इंडिविजुअल बी एंड नॉट विथ ए, वो अभी हम देख लेते हैं ऐसा कैसे, ठीक है। चलिए आइए हम इस पूरी कहानी को हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। चलिए अब आप गौर कीजिए, अब जो मैं बोलूंगा वही देखना। ये देखो, ये है इंडिविजुअल ए, ये है इंडिविजुअल बी, और ये है, ये इंडिविजुअल कौन है पता नहीं, ये इंडिविजुअल कौन है पता नहीं। क्राइम सीन से ये पर्टिकुलर डीएनए सैंपल आया है। अब मेरा वाला एग्जांपल लो, क्राइम सीन से दो सैंपल मिला था, जाहिर सी बात है एक तो आशीष का मिलेगा ही जिसका मर्डर हुआ है, है? उसका तो सलाइवा, उसका तो ब्लड वगैरह मिक्स हो गई, तो वो इंडिविजुअल डी उसका तो हटाओ, वो तो पता ही चल गया वो कौन है। अब मुझे शक है एक इंडिविजुअल ए पे और एक इंडिविजुअल बी पे कि मर्डर या तो ए ने किया है या तो बी ने किया है, ठीक है, या तो ए ने या तो बी ने किया है। अब यहाँ पे ए मान लो कि मैं हूं और बी मान लो कि मुझे जिस लोग पे शक था वो है, और सी एक सैंपल मिला है उस क्राइम सीन से जो कंफर्म नहीं है कि अब ये किसका है। पहले सी वाला ही हैदराबाद से मैंने मंगवाया और ए और बी का तो बाद में सैंपल निकलवाया जाएगा, तो सी वाले में सैंपल जो मिला है उसमें तीन क्रोमोजोम का हैदराबाद में जो मैंने भेजा सैंपल, वो वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, तीन क्रोमोजोम का उन्होंने क्या किया, आरएफएलपी बनाया, एक क्रोमोजोम नंबर 7 का, क्रोमोजोम नंबर 2 का और 16 का। जब 16 में देखा तो देखो ये अलग अलग, ये क्या है, ये टेंडन रिपीट्स, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या है, यहाँ से लेकर देखो 0 से 11 बार रिपीट हुआ किसमें, क्रोमोजोम नंबर 7 में, इसमें कम बार हुआ और इसमें उससे कम बार हुआ। इवन देखो होमोलोगस क्रोमोजोम में भी रिपीटेशन अलग बार है, देख पा रहे हो, हेलो ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, इसमें और इसमें भी रिपीटेशन अलग अलग बार है, देख पा रहे हो इसमें और इसमें भी रिपीटेशन अलग बार है, इसमें और इसमें भी अलग बार है, ठीक है। तो अब इसका अगर आप बैंड बनाओगे तो बैंड कैसे बनेगा, देखो ये दादा मांस वाला है तो देखो ये सबसे ऊपर आ गया, ये उससे थोड़ा सा कम मास वाला है तो नीचे आ गया बैंड मॉलिकुलर मास के भी पर, ये उससे कम वाला है तो यहाँ आ गया, ये उससे कम वाला है यहाँ आ गया, और ये व्हाइट कलर का दिख ही नहीं रहा, यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है, ये ऐसे ही मान लो बैंड आ गया। और अगर इस 16 नंबर का बैंड नहीं भी दिखाए, लो ना यहाँ दिखा देते जो आया, बेसिकली वो पिंक कलर का है जैसा भी लो मैं दिखा दिया, ठीक है। तो ये तो उसके मॉलिक्यूलर मास और साइज के ब्याप पे जेल में अलग हो गया, जेल में दिखता नहीं है, दिखता ऑटो रेडियोग्राफ, हमने स्टडी को इजी बनाने के लिए यहीं पे दिखाया, ठीक है। तो ये आ गया किसका, क्राइम सीन से तो मिला हुआ डीएनए फिंगरप्रिंट है, वो ये है सी नंबर, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक ही जेल में ए और बी इंडिविजुअल दोनों का दिखा दिया, ठीक है, और उसी से ऑटो रेडियोग्राफ, एक कॉमन ऑटो रेडियोग्राफ तैयार कर लेते, ठीक है। तो हमने सेम क्रोमोसोम पर, तभी ना पता चलेगा, सेम क्रोमोसोम का आरएफएलपी काटा इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी का। तो देखो इंडिविजुअल ए का ये रहा मिनी सेटेलाइट, ये रहा टेंडन रिपीट एज ए स्टोन, और इसका जो पर्टिकुलर बैंड आया होगा, जैसे ए नंबर, देखो ए नंबर इसका सबसे नीचे आया है बैंड, देख रहे हो यहाँ पे आया, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 7 का जो बैंड आया है यहाँ पे आया, ठीक है, सबसे नीचे आया, अच्छा। उसके बाद आप गौर करो कि येलो वाला क्रोमोसोम नंबर 2 का बैंड यहाँ पे आया, और ऐसे ही व्हाइट वाला दिख नहीं रहा है, वो यहाँ पे होगा, उल्टा पुल्टा आ गया है, ये उसके मॉलिकुलर मास के भी पर है, ये उसके मॉलिकुलर मास के भी पे, देखो ना ये सबसे भारी है यहाँ पे और ये सबसे छोटा है, तो वो सबसे आगे निकल जाएगा ना, अरे ये वेल है तो जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे निकल जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सबसे आगे आ गया, ये सबसे छोटा वाला यहाँ आ गया, उससे बड़ा वाला उससे पीछे, ऐसे सो ऐसे बी का भी आ गया, बी में सबसे छोटा कौन है, व्हाइट वाला, ये देखो, और ये रहा व्हाइट वाला, ये रहा तो इस तरीके का बैंड आया, ये रहा लाल वाला क्रोमोसोम नंबर 7 का, ये रहा 2 का,
और ये रहा होगा 16 का, सिंपल आ गया, ठीक है। अच्छा ये 1, 2, 3, 4, ये क्या है पता है, ये उसमें साइज किस नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडन रिपीट, जो रिपीटेशन है कितनी बार रिपीटेशन वाले यूनिट कहां पर है, जैसे यहाँ पे एक बार रिपीटेशन वाला यूनिट आ सकता है, यहाँ पे दो बार वाला, ऐसे सो ऑन, ठीक है, ये आपको कोई नहीं पूछेगा। अब बात यहाँ ये है कि ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है। अब आप लोग देख के बताओ, जो ये सी वाला सैंपल है जो क्राइम सीन से लिया गया, ये किस इंडिविजुअल के डीएनए फिंगरप्रिंट से मैच करता है, सभी लोग देख के बताओ किससे मैच करता है, देख के बताओ, ए अभी बोलो, ए अभी किससे मैच करता है, ज्योति बी से मैच करता है। अब इस पर्सन को बोला जाएगा कि आप जब कह रहे हैं कि हम उस जगह थे ही नहीं, तो आपका डीएनए उस क्राइम सीन पर पहुंचा कैसे, आप झूठ बोल, मर्डर आपने ही किया है और आप ही हैं दोष और ये निर्दोष, इसको रिहा किया जाए और इसको सजा सुनाया जाए। समझ में आया कैसे करते हैं क्रिमिनल का पता, इसी तरीके से। तो अब बताइए यहाँ पे तीन क्रोमोजोम को लेकर हमने टेंडन रिपीट्स बनाया, हमने VNTR बनाया, हमने RFLP बनाया, फिंगरप्रिंट तैयार किया, हम चाहते तो 5 को भी लेके कर सकते थे, 6 को भी, 2 को भी, एटलीस्ट 2-3 ले लो ताकि थोड़ा स्टडी बढ़िया हो जाए, कन्फर्म पता चल जाए। हम चाहें तो 23 के 23 लेके कर सकते, टाइम वेस्ट होगा अलग, लेकिन 2-3 में ही पता चल जाता है। जब कन्फ्यूजन होता है तो दोबारा से कहते हैं ना कि दोबारा डीएनए टेस्ट होने गया, नहीं बोलते हैं। तो मान लो हमको ऐसा डीएनए लिए जिसमें सैंपल से पता नहीं चल पा रहा है मैचिंग, तो फिर हम करते हैं कि दूसरा क्रोमोसोम लेते हैं, तो फिर उससे पता चल जाता है। तो ये था पहला यूज कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हम क्रिमिनल का पता कैसे करते हैं। आप इस डायग्राम को ध्यान से पता कर मतलब कि ध्यान में रखना, नेक्स्ट क्लास में हम दो और बात करेंगे, एक रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये बताएंगे, और इसके अलावा थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कैसे करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म करेंगे। आज ही खत्म करना था लेकिन मैं एनसीईआरटी खुद से पढ़ के बताया, इसलिए ये खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में हम श्योरली खत्म करेंगे, और उसके अगले क्लास में मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन डिस्कस करके हम फिर टेस्ट लगाएंगे मॉलिक्यूलर का, ठीक है। शाम में आज नर्वस सिस्टम की मॉड्यूल डिस्कस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर कोई डाउट है तो बोलिए। ज्योति नो, अतीक नो, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।